प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़े थे आपने। जो पिछली कक्षा थी उसमें आपने स्वर और व्यंजन आपने पढ़े हुए हैं। आज हम करेंगे पाठ दो, हिंदी व्याकरण का पाठ दो, वर्णमाला। तो बच्चों आइए, जो है ये आपने पहले पिछली कक्षा में आपने किया हुआ है, जैसे कि अ आ इ ई उ ओ री ए ऐ ओ औ अं अः। तो ये कितने, ये यहाँ तक 11 शब्द होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? स्वर हमारे 11 होते हैं, होते हैं 11। ये कितने शब्द हैं? ये 11 शब्द होते हैं। और अः और अं और अः क्या होते हैं? अयोग्य शब्द होते हैं। तो बच्चों देखिए, क अब है, ये तो थे स्वर, ये है क्या है? ये हमारे स्वर है और ये व्यंजन है। क ख ग ध अड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ ड ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह अक्षे तरे गे श्रे। लेकिन बच्चों इसको, ये यहां तक है हमारे 35 व्यंजन है। हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 35 होते हैं और स्वर हमारे 11 होते हैं। बाकी ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षे तरे ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। आगे है, ध्यान रखिए कि वर्णमाला में अस आ और क ख ग ये सब क्या है? इन सबको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये क ख ग से अनार से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक सबको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ह तक वर्ण भाषा के क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। इनके टुकड़े नहीं होते, इनके विभाजन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यह वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इनके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। इनके क्या नहीं हो सकते? इनके हम छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे क है, क के हम छोटे, क्योंकि खुद ही वर्ण छोटी इकाई है, तो इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। सभी वर्णों का समूह और इन सभी वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। देखिए, हम वर्णों को वर्णमाला भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। देख आइए, इन्हें भी हम जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अ से अनार से लेकर ओ औ जो औ औरत तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं। देखिए, अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ अं अः। तो देखिए बच्चों, ये जो अनु अंग अंग क्या होता है? अनुस्वार। अंग क्या होता है? अनुस्वार। और विसर्ग, जिसके पीछे दो डॉट लगी होती है उसे बोलते हैं विसर्ग। अनुनासिक, जो नाक से भी बोली जाती है, और ये देख नाक और गले दोनों से बोली जाती है, ये होती है चंद्र बिंदु की मात्रा। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ ड़। ये तो हमारे थे स्वर, मतलब कि मात्रा, मात्राएं। स्वर का मतलब होता है मात्राएं, और व्यंजन होते हैं जो ये वर्ण है। ये देखिए, क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह अक्षे तरे और गे। तो बच्चों देखिए, संयुक्त व्यंजन, अभी जो हमने ये जो पढ़े थे, ये जो शब्द हैं ये क्या थे? संयुक्त व्यंजन थे। इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं। देखिए कि ये देखिए, श जो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक व्यंजन है, क और श मिलकर क्या बनते हैं? अक्ष। क्या बनते हैं? क के साथ मैंने जब स मिलाया तो क्या बन गया? अक्ष बन गया। और ज के साथ मैंने य मिलाया तो ज्ञ बन गया। और त्र, त प्लस र, त के साथ र मिला तो त्र बन गया, और स श के साथ र मिला तो स्र बन गया। तो बच्चों इस तरीके से ये जो शब्द मिलकर एक क्या करते हैं? स्वर धमनी रहित व्यंजन, क्योंकि इनके नीचे जो हलंत है इसको क्या कहा जाता है? हलन्त कहा जाता है। ये स्वर ध्वनि रहित व्यंजन के नीचे लगाए जाते हैं, मतलब कि
क के नीचे स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि के अंदर हम नीचे हम क्या लगाते हैं, हम इस हलंत को लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं, हल चिहन। तो देखिए क के अंदर मैंने जब श लगाया तो क्या बन गया, स। ज्ञ के अंदर, ज के अंदर मैंने ञ लगाया तो ज्ञ, और त्र, त प्लस र, त के नीचे हलंत प्लस र तो क्या बना, त्र, और श के अंदर र मतलब श्र, तो हल चिहन यह स्वर ध्वनि रहित व्यंजन के नीचे लगाया जाता है। अब है मात्राएं, व्यंजन और स्वर के मेल से स्वर का स्वरूप बदल जाता है। जब व्यंजन और स्वर मिलते हैं, व्यंजन क्या है, क ख ग अड़, व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग अड़, और स्वर क्या होते हैं, अ आ इ ई। अगर जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, एक नया नया शब्द बना देते हैं। स्वर का ये रूप मात्रा कहलाता है, स्वर का ये रूप क्या कहलाता है, मात्रा। जैसे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, जो अ अनार है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, शेष स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों, स्वर आ, ये क्या था, आ, तो मतलब ये आ है, स्वर हमारा आ है, और मात्रा क्या है, ये है ई, और छोटी की मात्रा, बड़ी ई, बड़ी की मात्रा, यह है मात्रा उ, और यह है छोटा उ, बड़ा उ, बड़े उ की मात्रा, री। तो ये देखिए री कैसे बना हुआ है, जो सी है उसकी शेप है ए, एक मात्रा, आई, आई पर दो मात्रा, ओ एक डंडा, और पर एक मात्रा, ओ औ वन एक बनाकर दो मात्रा, ये किसकी मात्रा बन गई, ये औ की मात्रा, ये औ की मात्रा बच्चों बन गई। अब आगे चलते हैं, आगे है हमारा, अब देखिए मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन बनकर व्यंजन मात्राओं को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए व्यंजनों पर मात्राएं चार प्रकार से लगाई जाती है, व्यंजनों पर मात्राएं कितने प्रकार से लगाई जाती है, चार प्रकार से। देखिए कैसे लगाई जाती है, अब देखिए नंबर एक, आ, बड़ी ई, ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती है, ये जो मात्राएं कहाँ लगती है, व्यंजन के बाद लगती है, कौन कौन सी, आ की, बड़ी ई की, ओ की और औ की। तो देखिए कैसे लगती है, देखिए क, क प्लस आ, तो क पर आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, का, क्योंकि क्या लगा है, व्यंजन के आगे लगा है, व्यंजन के बाद लगता है। अब आगे देखिए क प्लस ओ, तो क के बाद किसकी मात्रा लग रही है, ओ की मात्रा, तो क्या बन गया, को। क प्लस ई, तो क के बाद बड़ी की मात्रा लगी तो क्या बन गया, की। क प्लस औ, तो देखिए क के बाद मैंने वन बना के दो मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, कौ। अब इस तरीके से नंबर दो, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, जो छोटी की मात्रा है वो व्यंजन से हम पहले लगाते हैं। तो देखिए क, क प्लस ई, तो व्यंजन क्या है, क, क से मैंने पहले मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, की। ख प्लस ई, तो ख से पहले मैंने मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, खी। इस तरह ही नंबर तीन, ए और ई की मात्राएं व्यंजन की कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, तो देखिए क प्लस ए, तो क के ऊपर जब मात्रा लगी तो क्या बन गया, के। क प्लस आई, क के ऊपर दो मात्रा लगी तो क्या बन गया, कई। ह प्लस ए, थे। ह प्लस आई, खई, तो ये क्या लगा, व्यंजन के ऊपर मात्रा लग गई है। अब आगे है, ये सब क्या है, ये व्यंजन के ऊपर मात्रा लगी है बच्चों, इसलिए ये हो गई। अब देखिए उ, बड़ा उ और री की मात्राएं व्यंजन के कहाँ लगती है, नीचे लगती है। क प्लस उ, तो क पर छोटी उ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, उ, ये देखिए व्यंजन के नीचे लग गई है। क प्लस उ, तो क्या बन गया, कु। क प्लस री, तो क्या बन गया, री, क्री, क्या बन गया बच्चों, क्री। इस तरीके से ये जो मात्रा है, इस तरीके से ये जो मात्राएं हैं ये लग गई। तो बच्चों इस हमने क्या, हमने इस पाठ में पढ़ा कि जो स्वर होते हैं मात्राएं होते हैं, हमने वर्णमाला पढ़ी। अब मैं आपको इसकी एक बार फिर पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। देखिए पहले है कि हिंदी में वर्णमाला, तो देखिए स्वर होते हैं अ आ इ ई, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, स्वर होते हैं अ आ इ ई, अनुस्वार अंग, विसर्ग अह, अनुनासिक अंग। अब देखिए व्यंजन होते हैं क ख ग घ अड़, ये होते हैं हमारे व्यंजन, और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है हमारे संयुक्त, ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्या है बच्चों, ये
ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं, तो ये स्वर ध्वनि रहित व्यंजन के नीचे लगाए जाते हैं। अब आगे देखिए, आगे है मात्राएं। मात्राएं कहाँ होती है? जो व्यंजन के और स्वर के मेल से स्वर का रूप बदल देती है। जो मात्रा है व्यंजन के आगे या पीछे अगर हम लगाते हैं तो उसके स्वरूप को बदल देती है। ये तो है हमारे स्वर और ये है मात्राएं। तो देखिए मात्राएं कितने प्रकार की होती है? मात्राएं चार प्रकार की होती है। तो देखिए आ, ई, ओ और औ, ये कहाँ लगते हैं? ये मात्राएं व्यंजन के बाद में लगती है, जैसे कि का, को, की और कौ। और जो छोटी की मात्रा है ये हमेशा व्यंजन के पहले लगती है, जैसे कि, थी। अब आगे है नंबर तीन, ए और आई की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है। देखिए ये लगा रखी है मैंने इस तरीके से। और नंबर चार, ऊ, बड़ा ऊ और री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप इस पाठ को घर पे पढ़िएगा और साथ में समझिएगा। हम कल इसका अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।